बात करते हैं सितारों के सितारों में राजीव चंद्रशेखर। 31 मई 1964 के दिन अहमदाबाद में जन्मे राजीव चंद्रशेखर भारत के प्रमुख उद्योगपति हैं, जिन्होंने भारतीय राजनीति में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने शिकागो से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री ली। 1994 में राजीव जी ने BPL मोबाइल कंपनी की नींव रखी। 2006 से 2012 तक ये कर्नाटक राज्य से भारतीय जनता पार्टी द्वारा चयनित राज्यसभा के सांसद रहे हैं। 2012 से 2018 के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में दोबारा चयनित हुए। राजीव चंद्रशेखर केरल से भाजपा नीत को एलिएशन गवर्नमेंट में भाजपा के वाइस चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आइए इनकी उपलब्ध कुंडली के अनुसार हम बात करते हैं कि कैसे एक उद्योगपति और इंटेलेक्चुअल व्यक्ति राजनीति में आकर के सफल हो सकते हैं। तो आज जो ये एक हम देखते हैं कि युवा लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं और जो बहुत अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और राजनीति के अंदर रहना चाहते हैं, उनके लिए ये कुंडली एक उदाहरण हो सकती है। जस्ट लग्न की कुंडली, लग्नेश शुक्र राहु के साथ, यानी जब कभी भी आपका लग्नेश राहु के साथ हो जाए या प्रमुख ग्रह राहु के साथ हो जाए तो आप में रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये हम कई बार कई कुंडलियों के माध्यम से यहाँ दर्ज कर चुके हैं। जब हम सितारों की कुंडली यानी कि जब स्टार्स की फिल्म स्टार्स की कुंडलियों की बात कर रहे थे तो हमने बार बार ये देखा, और एक बार पुनः जब हम राजनेता मतलब आपके शिक्षार्थी या उद्योगपतियों के राजनेता बनने के योगों को हम तलाश रहे हैं तो वहाँ भी हम ये देख रहे हैं कि शुक्र और राहु का साथ होने से कैसे आपके इस तरह के योगों को ताकत मिलती है। साथ ही साथ चंद्रमा का शनि की राशि में होना इनको टेक्नोलॉजी से जोड़ता है और इनको ऊंचाई दिलाता है। इसके साथ शनि का स्वराशिस्थ होना ना भी इनको बहुत तेजी से अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश की सेवा करने का मौका दिया। मंगल बुध और बृहस्पति मंगल की राशि में स्वराशिस्थ मंगल के साथ विराजमान है। इसके मायने ये हैं कि आपके सभी कार्यों को आपकी बहुत ऊंचे दर्जे की ऊर्जा और बृहस्पति का एक कहना चाहिए ईश्वरीय जो आशीर्वाद है वो मिलते चले जाता है और इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती है। जो लोग अपने जीवन के अंदर अपनी जो उद्योगपति हैं या जो शिक्षार्थी हैं बहुत ऊंचे दर्जे के इंटेलेक्ट हैं वो अगर राजनीति में आते हैं तो अपनी कुंडली उन्हें देख लेनी चाहिए क्या वो उन्हें सपोर्ट कर रही है, और सपोर्ट करे तो कितने ऊंचे दर्जे की सफलता उन्हें प्राप्त हो सकती है राजनीति के अंदर। आज भाग्य में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडलियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।